मेरे को एक ऑर्डर आया जिसमें डीप रेड कलर की मेरे को ड्रिप डालनी थी केक के ऊपर। तो मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि जो रेडीमेड ड्रिप थी वो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो कैसे बनाऊँ, कहीं मेरे को नहीं मिला। तो फिर मैंने बनाई और मैंने सोचा जैसे मेरे को मुश्किल हुई है वैसे किसी और को मुश्किल ना हो, इसलिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए डाल रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैं डबल बॉयलर मेथड से कर रही हूँ, आप चाहें तो आप माइक्रोवेव की हेल्प से भी ये कर सकते हैं। नीचे मैंने गर्म पानी रखा है, ऊपर मैंने एक बर्तन रखा है जिससे स्टीम से ये चॉकलेट मेल्ट होगी। मैंने डाला है वाइट चॉकलेट और थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर डाल दूंगी, आप उसी से कर लीजिएगा। इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। डबल बॉयलर की मेथड से आराम से हो जाता है और चॉकलेट जो है वो जलती भी नहीं है। ये देखिए मैं क्लोजअप से दिखा रही हूँ। जस्ट बाय चांस आपकी चॉकलेट में कोई लंप फॉर्म होता है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है जिससे आपकी जो ड्रिप है वो बिल्कुल स्मूथ बनेगी। यहाँ मैंने डाला है व्हिपिंग क्रीम, और व्हिपिंग क्रीम जो है वो रूम नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ना ठंडी होनी चाहिए ना गर्म होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और ये है न्यूट्रल जेल, न्यूट्रल जेल भी हम यहाँ पे डाल देंगे। न्यूट्रल जेल से आपके ड्रिप में एक अमेजिंग सी शाइन आएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और यहाँ पे मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे डाल रही हूँ डीप रेड कलर, ब्राइट रेड कलर, जितना भी अच्छा ब्राइट रेड कलर आप लेंगे उतना अच्छा है। मैंने यहाँ जेल कलर डाला है, आप चाहें तो आप लिक्विड जो वाटर कलर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी ना क्वांटिटी ज़्यादा पड़ेगी तो थोड़ा कड़वा होने का डर होता है। अब मैंने कहा था ना अगर लंप फॉर्म होगा तो परेशान मत होइएगा क्योंकि यहाँ हम इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। कैन यू सी ब्यूटिफुल कलर, ब्यूटिफुल रेड ड्रिप। आई वॉज सो अमेजिंग कि मैं फालतू में ही बाहर से एक महंगी ड्रिप खरीदती थी और खर्चा करती थी। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, कितना ही खूबसूरत कलर आया है, आप देख रहे हो ना। आप जब इतना ईजी है बनाना मेरे को पता ही नहीं था। अब इसमें हमें थोड़ी सी और शाइन डालनी है तो मैंने यहाँ गोल्डन डस्ट इसमें डाल दिया है, अप्रॉक्स 1/8 टीस्पून डाला है, और इसको मैं अच्छे से कर ले रही हूँ मिक्स। इससे क्या होगा आपकी ड्रिप में ना एक गोल्डन सी शाइन आ रही है, कैन यू सी इट, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सी माई केक इज़ रेडी, एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना ईजी था बनाना। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।